वक्त की बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो हमारे पास आ रही है जबलपुर से, जहां पर भेड़ाघाट के बिनेकी में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के मेन गेट पर ताला लगाया है, डॉक्टरों पर भी लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। डॉक्टरों पर मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जबलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भेड़ाघाट के बिनेकी में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता अखिलेश। अखिलेश जानना चाहेंगे, बात कर रहे हैं जबलपुर की, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में के बाद अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है, क्या कुछ है इनकी मांगे? इनकी मांगे हैं कि कल रात में जब वो बच्ची को यहाँ लेकर आएगा मेडिकल अस्पताल, तो वहां से उन्हें एलगन पहुंचा दिया। एलगन वालों ने फिर विक्टोरिया और मेडिकल जाने की उनको सलाह देने लगे और उसका उपचार न करने की बजाय उनको यहाँ वहाँ भटकाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी वजह से आज एबीपीपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और उसके मेन गेट पर ताला लगा दिया है। अखिलेश, अगर यहाँ पर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो उन्हें इसके अलावा उनकी क्या कुछ मांगे हैं? आपने बात करने की कोशिश करी, क्या कुछ उनके बयान सामने आए हैं? की मांगे ये हैं कि जो जिन डॉक्टरों ने ये लापरवाही बरती है उनके उनके लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है उनकी। अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।